बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, जिसमें हम बात कर रहे हैं लेगून फार्मेशन की। आम तौर पर ये फार्म होते हैं सैंड बैंक्स पर इनकी फार्मेशन होती है। सैंड बैंक्स पर, इम बैंकमेंट्स पर, इन किनारे वगैरह पर, इम बैंकमेंट्स या फिर इसी तरह का कोई भी सिमिलर स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जहाँ पर लेगून की फॉर्मेशन हो सकती है। सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक एम्बैंकमेंट्स और या सैंड बैंक। ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर में बात की है लेगून फॉर्मेशन की, जिनकी आमतौर पर फॉर्मेशन होती है सैंड बैंक पर, एम्बैंकमेंट पर या फिर इसी तरह का सैंड बैंक या फिर एम्बैंकमेंट लाइक स्ट्रक्चर पर लेगून की फॉर्मेशन होती है। ये शैलो है, इनकी काम गहरा होता है और आमतौर पर पार्शली जुजवी तौर पर सेपरेटेड ये अलग हुआ होता है रिवर से। कहाँ से ये अलग होता है? रिवर से अलग होता है या फिर ये सी से अलग होता है। नॉर्मली इनका ताल्लुक होता है रिवर के साथ और सी के साथ, रिवर और सी के साथ इसका ताल्लुक होता है। जुजवी तौर पर ये अलग होते हैं रिवर या सी के साथ और इनका ताल्लुक इनके साथ होता है रिवर और सी के साथ। अगर हम लोग एशिया और अफ्रीका की बात करें तो जो लेगून फॉर्मेशन है वो एक्सप्लाइटेड है एक्वाकल्चर के लिए, इनके इस्तेहसाल किया जा रहा है एक्वाकल्चर के लिए। लेगून फॉर्मेशन क्या है? एक्सप्लाइटेड है, एक्सप्लाइटेड है एक्वाकल्चर के लिए। किसके लिए एक्सप्लाइटेड है? एक्वा कल्चर के लिए। और लेगून की जो कंट्रीब्यूशन है ना टूवर्ड्स वर्ल्ड एक्वाकल्चर वो निग्लिजिबल है, वो ना होने के बराबर है, निग्लिजिबल। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू FAW रिपोर्ट, ये जो लेगून्स हैं, मैनग्रोव है और स्पाम्स हैं, इनको कंसिडर्ड किया जाता है कि इनमें भी ये एबिलिटी है कि ये एक्वा फार्मिंग कर सकें। खासतौर पर ये श्रिम्प के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और इसके साथ साथ सी फूड भी जो है ना इनसे हासिल की जा सकती है। अकॉर्डिंग टू FAW रिपोर्ट, लेगून्स मैनग्रोव और स्वैम, ये दलदली जो होता है उसको कंसिडर किया जाता है पोटेंशियल फॉर एक्वा फार्मिंग में, खास तौर पर श्रिम की प्रोडक्शन के लिए। श्रिम के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो सी फूड है उसको भी हासिल किया जा सकता है। सी कोइस्ट फ्लोडेड की जा सकते हैं रिवर के साथ, सी कोइस्ट ये जो साहली समुद्री साहिल है ना उसको क्या किया जाता है, वो फ्लोडेड होते हैं रिवर से और साथ साथ टाइड से। ये जो मद्दो जजर होता है ये क्या बनाते हैं, ये मैनग्रोव्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, फॉर्म दी मैनग्रोव्स। क्लियर? ये जो साहिल समंदर है वो फ्लडेड हुआ होता है रिवर्स के साथ और टाइड्स की जो मद्दोजजर होता है उसके साथ। तो इस तरह से ये किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं? मैनग्रोव्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर? अब हम लोग फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के हवाले से देखते हैं। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में हमारे पास पॉन्ड्स आ जाते हैं। ये पॉन्ड्स का इस्तेमाल है ना वो बहुत ही कॉमन है पूरी दुनिया में। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में क्या चीज़ आ जाती है? इट इज़ इंक्लूडेड द यूज ऑफ पॉन्ड्स। इसमें किसका इस्तेमाल आ जाता है? इसमें पॉन्ड्स का इस्तेमाल आ जाता है। ये क्या है? वेरी कॉमन, इट इज वेरी कॉमन थ्रू आउट द वर्ल्ड ये पूरी दुनिया में इंतहा ही कॉमन है। ये इंटेंसिव क्रॉपिंग होती है पॉन्ड्स के अंदर, मोस्ट इंटेंसिव क्रॉपिंग किसमें पाई जाती है? पॉन्ड्स के अंदर पाई जाती है।
नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो उसमें कैट फिश की प्रोडक्शन हो रही है, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में देखें। यूरोप की बात की जाए मोस्ट इंटेंसिवली अगर प्रोडक्शन देखें, यूरोप में ट्राउट, एशिया में साइपिनिया स्कॉर्पियो, साइप्रिनियस कार्पियो। चाइना की बात की जाए तो उसमें हर्बीवोरस स्पीशीज को कल्चर किया जा रहा है, हर्बी हर्बीवोरस स्पीशीज। क्लियर है? ये था बेसिकली फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर के हवाले से।